हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पृथ्वी राज। आज के वीडियो के अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज़ करेंगे। इस वीडियो को मैंने पूरे के पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिवाइड किया हुआ है। ये 20 क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो पेपर में जनरली पूछे जाते हैं, और 80-90% आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस इन्हीं क्वेश्चन में से कवर होगा। अगर आप 11th क्लास में हैं, आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो भी आपके लिए वीडियो रिलेवेंट है। और अगर आप 12th क्लास में, आपके बोर्ड में अभी भी अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में है, तो भी ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा माइक्रो का सिलेबस कवर कर पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो देखने से कुछ हेल्प मिलती है, आपको लगता है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करना। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आपका एग्रीगेट्स के बारे में स्टडी करना, मैक्रो लार्ज लेवल पे स्टडी करना। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई। लेकिन जो मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड पढ़ते हो, उसमें बहुत लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है। वहीं आप मैक्रो लेवल पर क्या पढ़ते हो, मतलब पूरा एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट्स, वो सब तैयारी करते हो। उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी आप पढ़ोगे, आप ये मान के चलोगे कि मैक्रो के जितने भी वेरिएबल्स हैं, मैक्रो के जितने भी फैक्टर्स हैं, वो सभी कांस्टेंट है। और जब आप मैक्रो स्टडी करते हो, तो आप ये मान के चलोगे जितने भी माइक्रो के वेरिएबल्स हैं, वो सभी के सभी कांस्टेंट होंगे। मतलब जब माइक्रो पढ़ोगे तो मैक्रो का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, और जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो माइक्रो का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना डिमांड, सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, मतलब काइंड ऑफ प्राइस थ्योरी होती है। यहाँ पे किसी भी गुड्स का प्राइस क्या डिसाइड करना है, वो सब इसमें पढ़ा जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हटाई जाए, देश की जीडीपी, नेशनल इनकम को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन इट सॉल्यूशन। सेंट्रल प्रॉब्लम तीन तरह की होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, हम क्या प्रोड्यूस करें। आप उस गुड्स को प्रोड्यूस करो जो उस एरिया की, उस पॉपुलेशन की मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई कर पाए। सिलेक्टेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, जो मैक्सिमम उस एरिया की, उस पॉपुलेशन की मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई कर पाए, आप वो सारे गुड्स प्रोड्यूस करो। सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये तो पता चल गया क्या प्रोड्यूस करें, लेकिन इसको कैसे प्रोड्यूस करना है, इसमें क्या कवर होगा। इसमें दो तरह की टेक्निक कवर होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर किसी एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत चीप रेट पे अवेलेबल हो जाती है, जैसे इंडिया की बात करूँ, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होना चाहिए। वही अगर आप जापान, यूएस, चाइना की बात करोगे, जहाँ पे कैपिटल, मशीनें बहुत ज़्यादा हैं, लेबर उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल पाते, तो वहाँ पे आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करो। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, मशीनों से काम कराया जाता है, लेबर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेबर, मतलब मैन पावर से काम कराया जाता है। उसके बाद में थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें और कैसे करें, वो तो पता चल गया। लेकिन अब उसमें भी कैटेगरी है, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। सोसाइटी को ना दो पार्टीशन में बांटा गया है, एक तो रिच पीपल और पुअर पीपल। रिच पीपल के लिए अगर कोई भी कंपनी सामान बनाती है, तो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, मतलब वो जीडीपी के बारे में सोचते हैं। वही अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी अगर पुअर पीपल के लिए काम करना चाहते हैं, उनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। सो वी हैव टू बैलेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। तो कंपनी को क्या काम करना चाहिए, कंपनी को मैक्सिमम इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड करें कि वो अर्जेंट वांट्स को मैक्सिमम फुलफिल कर पाए। मतलब ऐसा भी ना हो कि सब कुछ फ्री में बांट दो, सोशल वेलफेयर कर दो, और ऐसा भी ना हो कि आप सभी के लिए हाई प्राइस चार्ज करो। तो यू हैव टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिच पीपल गुड्स एंड पुअर पीपल गुड्स। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन पीपीसी, इट्स एजम्पशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी। पीपीसी क्या होता है, इट इज कर्व शोइंग अल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स। हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हम दो ही गुड्स दिखा सकते हैं वहाँ पे, एक एक्स पे और एक वाई पे। तो हम दो गुड्स के बारे में पढ़ेंगे जो गिवन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भी चेंज नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होगा। अगेन पीपीसी क्या होता है, पीपीसी का मतलब एक ऐसा कर्व जो शो करता है डिफरेंट अल्टरनेट कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स, जो हम गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं।
उसके बाद में एजम्पशन ऑफ पीपीसी, आपके रिसोर्सेज फिक्स रहेंगे, रिसोर्सेज को मूव नहीं करोगे, नाइदर डिक्रीज नोर इंक्रीज, ओनली टू गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, सिर्फ दो गुड्स ही आप प्रोड्यूस करोगे, उसके बाद में रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशियंटली यूटिलाइज। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर दो, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर दो, 100% फुल यूटिलाइज होना चाहिए, उसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद में लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कॉन्स्टेंट रहेगी, आप लेबर से कैपिटल पे और कैपिटल से लेबर पे स्विच नहीं कर सकते, जो टेक्नोलॉजी आपने एक बार ऑब्टेन की है, जो टेक्नोलॉजी आपने एक बार सेलेक्ट की है, आपको वही ड्यूरिंग द ईयर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशियंट, मतलब अगर आपके पास वन पीस ऑफ लैंड है, आप उसमें अगर वीट प्रोड्यूस करना चाहते हो या फिर अगर आप राइस प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि अगर एक एकड़ से अगर वीट अगर 100 केजी आ रहा है तो राइस भी 100 केजी होगा। मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट गुड्स के लिए डिफरेंट इफिशियंटली काम करेंगे वो। उसके बाद में प्रॉपर्टी क्या होती है, अच्छा ये कुछ पीपीसी कर्व इस तरह का होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ये वाला कर्व। अब आगे बढ़ते हैं, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है पीपीसी की, स्लोप्स डाउनवर्ड। हर वो चीज़ इकोनॉमिक्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है जब हमें एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए अनदर गुड्स की क्वांटिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दोबारा सुनो, इकोनॉमिक्स में हर वो चीज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरे का ऑटोमेटिकली सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी वो स्लोप्स डाउनवर्ड बनेगा। अब इसमें क्या होता है, अगर मेरे को एक गुड्स को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, इट इज़ बिकॉज मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड, एक गुड्स ज़्यादा तभी प्रोड्यूस होगी ओनली बाई टेकिंग रिसोर्सिस अवे फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। अगर एक किसान के पास एक ही पीस ऑफ लैंड है, एक एकड़ जमीन है, वो चाहता है गेहूँ छोड़ के चावल ज़्यादा उगाना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी वो राइस ज़्यादा गेन कर पाएगा, ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। उसके बाद में सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉनकेव शेप टू द ओरिजन। अब ये क्यों होता है कॉनकेव शेप, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन MRT। MRT क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो रेशो होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जितना आप एक गुड्स का सेक्रीफाइस करोगे उसके बदले में कितना आपको गेन होगा, दैट इज योर MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसके बाद में अभी ना पास अटैम्प्ट से कुछ नया ट्रेंड चला है पीपीसी के क्वेश्चन पूछने का, उसमें क्या होता है, उसमें ना आपको अलग अलग प्रैक्टिकल लाइफ की कंडीशन दी जाती हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, एजुकेशन फॉर ऑल, लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ओपन, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, आपसे पूछा जाता है। ये सारी कंडीशंस हैं, कोई भी एक कंडीशन आ जाएगी फिर पूछा जाएगा बताओ इसका पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बात बताओ, स्वच्छ भारत मिशन होगा, मेक इन इंडिया, एजुकेशन फॉर ऑल, लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन या इनफ्लो फॉरेन कैपिटल, ये सभी ना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारी इकोनॉमी पे, ये सारे हमारी इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज़ वाई आर पीपीसी शिफ्टेड ऑन राइटवर्ड। राइटवर्ड मतलब अपर साइड पीपीसी इंक्रीज हो जाएगा, हमारी पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इंपैक्ट से पीपीसी, जितना आज हम प्रोड्यूस कर रहे थे ये सभी चीज़ें होंगी तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरी स्पीड थोड़ी सी हाई लग रही है तो मेरा वॉइस कंट्रोल आपके हाथ में है, आप चाहो तो पॉज कर सकते हो, दोबारा से उस क्वेश्चन को रीड करो, दोबारा से सुनो उस वीडियो को, या फिर आप स्पीड भी स्लो कर सकते हो। मेरे को 1 आवर के अंदर पूरी माइक्रो रिवाइज करानी है, और लास्ट मोमेंट पे ना दिमाग थोड़ा सा खोल के रखना चाहिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आप भी 1 घंटे के अंदर पूरी माइक्रो रिवाइज कर पाओ। उसके बाद में 4th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU विद इट्स एजम्पशन, या फिर ये क्वेश्चन कभी कभी दूसरे नाम से क्या आता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एक ही मतलब है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU क्या कहता है, जैसे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता रहता है, व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्ड मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है, दैट इज योर MU, जो पर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी है MU, दे स्टार्ट डिक्लाइन, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप एक ही गुड्स को, उसकी क्वांटिटी को बार 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 यूज़ करते जाओगे तो उससे क्या होगा, जो आपको MU पर यूनिट से मिल रही है वो धीरे धीरे डिक्लाइन डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। एजम्पशन क्या होती है, एक तो आपको ना कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको 2 यूनिट आज कंज्यूम किया अभी, फिर बाकी 2 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, ऐसा नहीं करना, रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए वो।
उसके बाद में नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, आप क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करोगे, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं करोगे, फिक्स्ड इनकम होगी कंज्यूमर की और एमयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, मनी का एमयू कांस्टेंट होगा तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू एस्टेब्लिश हो पाएगा। देखो ये कैसा होता है, सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद में टीयू, टीयू कैसे निकाला, समेशन ऑफ एमयू। सबसे पहले देखो एमयू पहली बार 3 मिल रहा है, उसके बाद एमयू 2, फिर उसके बाद जब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम करनी स्टार्ट की तो 1, जब आप फोर्थ यूनिट पे आ गए तो 0, और फोर्थ के बाद अगर आप दोबारा से उस क्वांटिटी को, उस यूनिट को अगर कंज्यूम करोगे उस गुड्स को, तो फिर आपकी एमयू -1 हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, ये एमयू धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, इवन 0 और 0 के बाद तो नेगेटिव भी होना स्टार्ट हो गया। ये कब होगा, अगर आप एक ही गुड्स की क्वांटिटी को मोर एंड मोर बेसिस पे अगर आप कंज्यूम करते जाओगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, दैट इज योर एमयू, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी, इवन बिकम्स नेगेटिव एट ए पॉइंट। ये वाला डायग्राम ना मेरे को किसी और डायग्राम की याद दिला रहा है, जो आपका टीआर एंड एमआर का रिलेशनशिप होता है, व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में ना एक क्वेश्चन कभी कभी मतलब आंसर एक ही होता है लेकिन उसको पूछने के तरीके कई सारे होते हैं। अब जैसे ये वाला डायग्राम, अगर किसी बच्चे को टी यू और एमयू का डायग्राम याद है और अगर पेपर में आ गया टी आर एम आर, तो उसमें भी सेम ही डायग्राम बनाना है जब प्राइस आपको कॉन्स्टेंट नहीं होता। मतलब ये डायग्राम आपका दो क्वेश्चन में आ सकता है, बस वहां पे आर आ जाएगा, टी यू की जगह टी आर हो जाएगा, एमयू की जगह एमआर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग एमयू मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब ये कैसे होता है सर, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तब होता है व्हेन ही गॉट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाती है तब एक कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो जाता है। देखो कंडीशन क्या है इसकी, एमयूएक्स डिवाइड बाई पीएक्स इज इक्वल टू एमयूएम होना चाहिए। एमयूएम क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, पीएक्स क्या है, प्राइस ऑफ यूनिट एक्स, एमयू क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। अब देखो कैसे निकालोगे आप इसमें, आप यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट आपने लिया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में उससे मिलने वाला एमयू धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू भी बोलता है, प्राइस आपको कांस्टेंट होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद में एमयूएम, जिस पॉइंट पे मनी की यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट पे कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे होगा, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर इसको डायग्राम में दिखा रहा हूं, कैसे दिखाएंगे, प्राइस कांस्टेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, एमयू डिक्लाइन होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, तो आप इसको डिक्लाइन बनाओ, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे वही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे एमयूएक्स इज इक्वल टू पीएक्स इज इक्वल टू एमयूएम हो जाएगा। केस नंबर 2 क्या बोलता है, इन केस ऑफ टू कमोडिटी, अगर दो कमोडिटी का केस आ जाए तब क्या करोगे, अभी तक तो एक कमोडिटी थी अब दो कमोडिटी हो गई, अगेन वही फॉर्मूला है, एमयूएक्स एमयूएक्स डिवाइड बाय पीएक्स इज इक्वल टू एमयूएम, दूसरी कमोडिटी क्या है, एमयूवाई डिवाइड बाय पीवाई इज इक्वल टू एमयूएम, दोनों की दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग पुट कर दो, आपके पास क्या आएगा, एमयूएक्स अपॉन में पीएक्स इज इक्वल टू एमयूवाई अपॉन में पीवाई और इज इक्वल टू एमयूएम। जिस पॉइंट पे ये तीनों बराबर हो जाएंगे उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये कैसे ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस की साइड तो आप लो मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो ले लो गुड एक्स, राइट हैंड साइड गुड वाई, दोनों का एमयू का ग्राफ बनाओ, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे, जिस भी पॉइंट पे दूसरे को कट करेंगे इस वाले पॉइंट पे, दैट इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ये वाला ग्राफ बहुत सारी बुक में मिसिंग होता है लेकिन ग्राफ यही है, आप इसको ध्यान से नोट कर लेना, यही करके आओगे अगर टू कमोडिटी के केस में एमयू एनालिसिस पूछा गया है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। पेपर में एक तो आने आना होता है, आइदर एमयू एनालिसिस आएगा या फिर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में। देखो आगे वही, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है, जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे होता है दैट इज इट्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद में इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व का मतलब ऐसा कर्व जो ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन बताता है दो गुड्स का जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट पे। ध्यान से सुनो, इनडिफरेंस कर्व इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन
टू द कंज्यूमर, जो हमें हर लेवल पे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन देते हैं उसको बोलते हैं, उस कर्व को जो कर्व ये सारे कॉम्बिनेशन दिखाता है उसको बोलते हैं डिफरेंस कर्व। अब इसके केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालते हैं, कंडीशन नंबर वन क्या कहती है, जिस भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट इज एम आर एस एक्स वाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई, जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट इज एम आर एस एक्स वाई बिकम्स इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, मतलब पी एक्स अपॉन में पी वाई, जिस भी पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन के साथ क्या होगा, आई सी इज कन्वेक्स टू द ओरिजन, और जिस पॉइंट पे IC कन्वेक्स टू द ओरिजन होगा, दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है MRS XY becomes equal to PX upon PY, और जहां पे IC कन्वेक्स टू द ओरिजन होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जैसे ये देखो ये IC कर्व है, ये वाला पॉइंट E है, ये वाला ये जो बजट लाइन देख रहे हो A टू B तक ये आपकी बजट लाइन है, जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करेगा मतलब टेंजेंट होगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस एनालिसिस के पीछे ना कुछ एजम्पशन भी काम करती है। पहले एजम्पशन क्या है, मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर वो चेंज नहीं होगी, मनी इनकम कॉन्स्टेंट रहेगी या बजट लाइन को मूव नहीं कर सकते। उसके बाद में कंज्यूमर दो गुड्स पे अपना सारा का सारा पैसा कंज्यूम मतलब यूटिलाइज करेगा, दो गुड्स के अलावा तीन पे नहीं कर सकता और दो में से एक डिक्रीज नहीं कर सकता, मतलब दे हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन ओनली टू गुड्स। उसके बाद में दीज गुड्स आर सब्स्टिट्यूट विद ईच अदर, मतलब जैसे एग्जाम्पल दो सब्स्टिट्यूट गुड्स का, मदर डेयरी मिल्क, अमूल मिल्क, पेप्सी और कोक, अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स यूज कर रहा है तभी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होगा। और मोर गुड्स, जितनी ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेगा मोर गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन, ये इसकी एजम्पशन है चार। और उसके बाद में प्रॉपर्टी क्या होती है आईसी कर्व की प्रॉपर्टी, पहली बात तो क्या है, आईसी कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। अब डिमिनिशिंग एमआरएस क्यों होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, जैसे जैसे आप मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितना आईसी कर्व ओरिजिन से दूर होगा हायर होगा वो उतनी ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड कराएगा। दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों आईसी कर्व डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को कैरी करते हैं और दो आईसी कर्व के कॉम्बिनेशन कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। उसके बाद में आईसी कैन नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक बात बताओ, अगर आईसी कर्व मान के चलो ये वाला आईसी कर्व है, अगर ये इस पॉइंट पे टच कर जाएगा तो इसका मतलब इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर x एक्सिस को टच करेगा तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब वो इस पॉइंट पे y को तो कंज्यूम ही नहीं कर रहा। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी, ये तो हमारी एजम्पशन के अगेंस्ट जा रहा है। एजम्पशन क्या कहती है कि इनकम कंज्यूमर स्पेंड इज इनकम ऑन टू गुड्स, दो गुड्स पे वो कंज्यूम करेगा तब जाके IC कर्व मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल पाएगा। अगर वो किसी भी एक एक्सिस को किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस को टच कर जाएगा तो इट मींस कि वो दूसरे वाले यूनिट तो कंज्यूम ही नहीं कर रहा, जो कि हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आईसी कर्व कभी भी किसी भी एक्सिस को टच कर जाए, नाइदर एक्स एक्सिस और नोर वाई एक्सिस, वो किसी को भी कभी भी टच नहीं करेगा। उसके बाद में एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड अजम्पशन रीजन एंड एक्सेप्शन। ये क्या होता है सर, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे क्वांटिटी प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब प्राइस में प्राइस अगर डिक्रीज तो क्वांटिटी इंक्रीज, और अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज योर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इसके पीछे कुछ अजम्पशन काम करते हैं, कौन कौन से अजम्पशन होती हैं, देखो डिमांड के केस में हम लोग पढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसमें पी एक्स पी आर टी वाई एफ ये सारे पॉइंट पढ़ते हैं। जब भी लो ऑफ डिमांड की बात आएगी यहां पर सिर्फ प्राइस की बात होगी, प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी। इसका मतलब सर बाकी के जो फैक्टर है, बाकी के जो डिटरमिनेंट, उनका क्या होगा, दे आर फिक्स्ड, मतलब वो सारे के सारे जो कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये इसके अजम्पशन है, नो चेंज इन पी आर, नो चेंज इन वाई मतलब इनकम, नो चेंज इन टेस्ट और नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बाकी के सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब पी एक्स को छोड़ के, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी को छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद में लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू,
ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करोगे यूटिलिटी डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में ये सेम रिपीट हो गया। इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इन्फीरियर गुड्स के साथ और एक होता है आपका नॉर्मल गुड्स के साथ। अब इसमें क्या होगा, नॉर्मल गुड्स के साथ तो आपकी इनकम पॉजिटिव रिलेट करती है, मतलब अगर इनकम इंक्रीज होगा तो आप नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी को भी ज़्यादा बाई करोगे, और अगर इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी को भी आप कम क्वांटिटी में बाई करोगे। लेकिन वहीं बात आते हैं इन्फीरियर गुड्स की, उसके साथ में इनकम नेगेटिव रिलेट होती है, मतलब अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी सो नाउ आप चीप क्वालिटी की चीज़ें, घटिया वस्तुएं खरीदना बंद कर दोगे। अब आप क्या करोगे, नाउ यू आर शिफ्टिंग ऑन अच्छी क्वालिटी की गुड्स। लेकिन वही अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आप क्या करोगे, फुल क्रीम मिल्क की बजाय टोंड या डबल टोंड मिल्क पे आ जाओगे, मतलब आप इन्फीरियर गुड्स को खरीदना स्टार्ट करोगे। अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और अगर इनकम इंक्रीज होती है इनकम बढ़ने से, अब हम इन्फीरियर गुड्स को खरीदना बंद कर देते हैं क्योंकि अब हम नॉर्मल गुड्स पे स्विच हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, अगर इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं अमूल, अगर अमूल मिल्क का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो अपने आप ही लोग वह क्या करेंगे, मदर डेयरी गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। अगर प्राइस ऑफ अमूल अगर इंक्रीज हो जाता है तो मदर डेयरी की क्वांटिटी अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसा क्यों होता है सर? अब लोग क्या करते हैं, क्योंकि मदर डेयरी का मिल्क सस्ता मिलेगा, अमूल मिल्क महंगा मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, अमूल मिल्क से शिफ्ट हो जाएंगे मदर डेयरी वाले मिल्क पे। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट यूजेस क्या होता है, जैसे आपको कोई भी चीज़ अगर चीप क्वालिटी में चीप रेट पे अगर मिलनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो हम इंडियंस क्या करते हैं, उसका मल्टीपल यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे, अगर हमें दूध अगर सस्ता मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम उससे कर्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे, हम उससे पनीर बनाना स्टार्ट कर देंगे, हम उससे स्वीट्स बनानी स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है मल्टीपल यूजेज, या डिफरेंट यूजेज बोल सकते हो, एक ही बात है। एक्सेप्शन क्या क्या होती हैं, किन किन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, गिवन गुड्स, उसके बाद में नेसेसिटी ऑफ लाइफ, उसके बाद में फियर ऑफ शॉर्टेज, स्टेटस सिंबल, चेंज इन वेदर, वैन कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ इट्स प्राइस। ये सारे 6 पॉइंट वो पॉइंट हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था, लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि अगर प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इन सारे एक्सेप्शन के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। मतलब इसका मतलब क्या होता है सर, अगर आपका प्राइस इंक्रीज होता है ना, फिर भी आप इनकी क्वांटिटी को कम नहीं करते खरीदना, आप फिर भी खरीदते हो। फॉर एग्जांपल, एक एक एग्जांपल समझते हैं। नेसेसिटी ऑफ लाइफ मतलब मेडिसिन, अगर मेडिसिन का प्राइस कितना भी अगर इंक्रीज हो जाए, जो आपकी नेसेसिटी है आपकी ज़िंदगी के लिए, अगर डॉक्टर ने बोला है आपको ये मेडिसिन लेनी है अदरवाइज आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, तो उसका रेट अगर कितना भी हो जाएगा फिर भी बाई करोगे उसको। फिर ऑफ शॉर्टेज, अगर आपको लगता है फ्यूचर में किसी गुड्स की क्वांटिटी या किसी गुड्स की शॉर्टेज होने वाली है, आप क्या करोगे, आज रेट बढ़ने पर भी आज उसको ज़्यादा खरीदोगे ताकि फ्यूचर में आपके पास किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। उसके बाद में स्टेटस सिंबल, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो स्टेटस सिंबल होते हैं, जैसे जर्मन कार्स, BM, ऑडी और मर्सिडीज, इनका रेट जितना भी बढ़ता है, एप्पल जिनका इनका रेट, एप्पल कंपनी का हर बार जो मोबाइल लॉन्च होता है उसका हर बार रेट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एप्पल कंपनी की सेल्स की ग्रोथ हर बार होती है। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने के बाद भी क्वांटिटी बढ़ती है, इसका मतलब लो ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, लोग फिर भी खरीदते हैं चाहे उसका प्राइस इंक्रीज ही क्यों ना हो जाए। चेंज इन वेदर, अगर अभी जैसे फिलहाल अभी समर का टाइम आने वाला है, वुलन गारमेंट्स पे अगर आपको 80% भी ऑफ मिलेगा फिर भी आप परचेज नहीं करते, मतलब प्राइस के डिक्रीज होने के बाद भी आप क्वांटिटी नहीं इंक्रीज करते। आपको पता है अब तो सर्दियाँ जा चुकी हैं, अब क्या खरीद, वुलन गारमेंट्स खरीद के अब क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करते हो, रेट कम होने पर भी, लो ऑफ डिमांड क्या बोलता है, रेट कम होगा तो क्वांटिटी आप ज़्यादा खरीदोगे, लेकिन क्योंकि अभी सीजन चेंज हो रहा है आप उसके बाद फिर भी आप हीटर या फिर आप वुलन गारमेंट्स रेट कम होने के बाद भी नहीं खरीदते, क्योंकि आपको पता है अब तो समर आने वाली है तो विंटर वाले गारमेंट्स खरीद के करना क्या है हमें। वैन कंज्यूमर जस्ट क्वालिटी वाइट्स प्राइस, अगर कंज्यूमर को लगता है ना, अगर कंज्यूमर ये सोचता है कि नहीं इसकी तो गुड्स की अगर क्वालिटी की बात करूं तो इसकी क्वालिटी तो इसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब अगर कंज्यूमर की मेंटेलिटी इस तरह की बन जाती है कि अगर जितनी गुड्स अगर महंगी होगी उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उस केस में भी कंज्यूमर फिर क्या करेगा, फिर वो प्राइस के हिसाब से उसकी क्वालिटी देखता है, मतलब जितना महंगा उतना अच्छा, उस केस में कंज्यूमर प्राइस को इग्नोर करके फिर भी क्वांटिटी को बाई करता है। उसके बाद में गिफन गुड्स क्या होता है सर, गिफन गुड्स होते हैं बिल्कुल घटिया क्वालिटी की चीज़ें, जिनको आप बिल्कुल सस्ता होने पे भी, जैसे जो खराब क्वालिटी के फूड्स होते हैं,
जो जनरली वेजिटेबल मार्केट में इवनिंग के टाइम पे मिलते हैं, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके होते हैं, बिल्कुल ख़राब होते हैं, अगर आपको वो फ्री में भी देगा ना, फिर भी नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है इससे आपको हेल्थ इश्यूज़ होने वाली हैं। जो जैसे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जिनकी एक्सपायरी डेट जा चुकी होती है, अगर वो आपको कोई फ्री में भी देगा, फिर भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो गिव इन गुड्स के केस में भी लो ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। इसमें क्या होता है, शिफ्ट के केस में शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, हर वो चीज़ अगर उस पर लो ऑफ डिमांड या लो ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हो रहा तो शिफ्ट में आएगा, और अगर उसमें लो ऑफ डिमांड या लो ऑफ सप्लाई अप्लाई हो रहा है तो मूवमेंट में आएगा। शिफ्ट के केस में अप्लाई नहीं होता लो ऑफ डिमांड, और मूवमेंट के केस में लो ऑफ डिमांड अप्लाई हो जाता है। शिफ्ट दो तरह का होता है, राइट वर्ड जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे क्या होगा, प्राइस में चेंज नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। कैसे, फेवरेबल टेस्ट, आपका टेस्ट उस गुड्स की तरफ अच्छा है तो भी आप ज़्यादा बाई करोगे। उसके बाद में एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होता है, इस केस में ना प्राइस के डिक्रीज होने से, लो ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस डिक्रीज होगा तो ही क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे। तो एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, प्राइस के डिक्रीज होने से आप क्वांटिटी बाई करते हो ज़्यादा, इट मींस लो ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है। उसके बाद में डिक्रीज इन डिमांड कर्व क्या होता है, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अगेन इसमें लो ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने कम क्वांटिटी में बाई कर रहे हो, ऐसा क्यों, ड्यू टू अनफेवरेबल टेस्ट, या फिर कंज्यूमर की अगर इनकम ही कम हो जाए, प्राइस तो सेम है लेकिन अगर इनकम कम हो गई तो क्या करोगे, फिर भी तो कम बाई करोगे ना। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व क्या होता है, अगर लो ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस तब गिरना, मतलब क्वांटिटी तब गिरनी चाहिए जब आपका प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्शन में वही तो होता है, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन तो ये मान के चलो कि पेपर में श्योर शॉट आ ही चुका है, हर बार हर अटेम्प्ट में आता है। क्वेश्चन के पूछने के 4-5 तरीके हैं, रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्वेश्चन का नाम है, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम है, थ्री फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, या फिर वाई ए वी सी ए सी एम सी एल ए सी और एल एम सी कर्व आर यू शेप कर्व। अगर इन 5-6 नाम में से अगर किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाता है, आपका आंसर एक ही लिख के आना है आपको, कौन सा आंसर होगा, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब देखते हैं सर इसमें क्या होता है, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब आप एक वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो ना, जब आप एक इनपुट की, ओनली वन इनपुट जो वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ कोर्स तभी चेंज हो रहा है, जब आप एक इनपुट की क्वांटिटी को चेंज करते हो तो आपका टीपी पे, टोटल प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, टीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका। सबसे पहले तो टीपी इनिशियल लेवल पे इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद में इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली उसके बाद क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव रेट, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके ना कुछ अजम्पशन होते हैं, क्या है, फर्स्ट शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर तो हम फिक्स्ड और वेरिएबल में दोनों के अंदर फैक्टर्स को सेग्रीगेट कर पाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर तो ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल। शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी सारे फिक्स होते हैं। उसके बाद में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो इम्परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, FOP क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है आपका लैंड, उसके बाद में लेबर, उसके बाद में कैपिटल, एंड लास्ट वन एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारे आपके 4 फैक्टर होते हैं, ये चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके इम्परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब दे कैन नॉट यूज इन प्लेस ऑफ अनदर, वो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद में वापस आ जाते हैं कॉजेज, होता क्यों है ये, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों होता है। सबसे पहला तो क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन। अगर आपके पास कुछ भी अनयूटिलाइज्ड स्पेस है, आपके पास कोई भी आइडल कैपेसिटी है, जैसे ही आप वेरिएबल फैक्टर एक इनपुट को अगर आप इंक्रीज करोगे ना, आप क्या करोगे, उस अनयूटिलाइज स्पेस को आप फुलफिल करना स्टार्ट करोगे, उस आइडल कैपेसिटी को आप यूटिलाइज करना स्टार्ट करोगे। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर में क्या होता है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। जैसे जैसे उस खाली कैपेसिटी को, अनयूटिलाइज कैपेसिटी को आपने कंज्यूम यूज करना स्टार्ट किया, आप अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाओगे, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाओगे, कि उसके बियॉन्ड तो आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, आपकी पोटेंशियल ही खत्म हो जाएगी। तीसरा स्टेज क्या होता है,
सॉरी थर्ड स्टेज में क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप एक फैक्टर को मतलब आप अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के बाद भी, अगर आप एक ही रिसोर्सेज को बार 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 कंज्यूम करोगे, उससे क्या होगा, पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। मतलब अगर मान के चलो एक मशीन की अगर वर्किंग कैपेसिटी है 8 आवर काम करने की, अभी वो काम कर रही थी 6 आवर, तो फर्स्ट केस में आपने क्या किया, धीरे 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 उसको 2 घंटे और इंक्रीज किए, बेटर यूटिलाइजेशन हो गया। फिर जब वो पूरे अपने 8 घंटे पे काम करना स्टार्ट करेगी, तो आप दूसरी स्टेज पे आ जाओगे। उसके बाद में जब अगर आप मशीन को 8 घंटे से ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली रन करोगे, उसमें क्या होगा, आपको एबनॉर्मल वियर एंड टीयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब अब फ़ायदा कुछ नहीं होगा 8 घंटे से ज़्यादा चलाने का, उल्टा आपको डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा, आपके पास खर्चे ज़्यादा होंगे, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, उससे पुअर कोऑर्डिनेशन मतलब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको शेड्यूल से समझाऊं तो कैसे होता है, देखो फिक्स तो फैक्टर आपके हर लेवल पे सेम ही रहेंगे, 1 1 1 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल फैक्टर को आप इंक्रीज करोगे कॉन्स्टेंटली 1 से लेकर 8 तक। टीपी क्या होगा आपका, 1 3 7 9 10 10 9 7। एमपी निकालेंगे इससे, देखो जब तक एमपी इंक्रीज हो रहा है तब तक आपका फर्स्ट फेज चल रहा है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फेज। उसके बाद में जब ये एमपी आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया और 0 बन गया, उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग फेज। जब आपका एमपी नेगेटिव हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फेज थर्ड, मतलब नेगेटिव फेज। डायग्राम में कैसे दिखाओगे, ये टीपी यहां से स्टार्ट होगा ये वाला, और एमपी यहां पे, जिस पॉइंट पे एमपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा वो आपका फर्स्ट फेज वहां पे खत्म, जहां पे आपका एमपी 0 वहां पे आपका सेकंड फेज खत्म, और जहां पे आपका एमपी नेगेटिव वहां पे थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा, मतलब थर्ड फेज हो गया वो। उसके बाद में आगे आते हैं एसी एमसी के बीच में रिलेशनशिप। यही क्वेश्चन अगर एवीसी और एमसी के बीच में आएगा तो यही पॉइंट लिखोगे, वहां पे एसी की बजाय आपको एवीसी रिप्लेस कर देगा ना, एसी की जगह पे आप एवीसी लिखना, बाकी सब कुछ सेम पॉइंट रहेंगे। ये क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, 6 पॉइंट है, अगर आपको 4 भी याद हो गए तो भी होते हैं। सबसे पहला क्या है, एसी एंड एमसी बोथ आर यू शेप कर्व। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, यू शेप क्यों होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दोनों के दोनों यू शेप कर्व होते हैं। एसी का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है इसमें टी ना आता हो, मतलब एएफसी प्लस एवीसी होता है, लेकिन एएफसी निकालने के लिए भी आपको टीएफसी डिवाइड बाय क्वांटिटी करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर बोलूं तो एसी एंड एमसी बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम टीसी टोटल कॉस्ट, दोनों के दोनों यू शेप होते हैं। उसके बाद में एमसी एसी को उस पॉइंट पे कट करेगा, एमसी इज इक्वल टू एसी, एमसी एसी को उस पॉइंट पे कट करता है जहां पे एसी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, और लास्ट में तो एसी और एमसी दोनों के दोनों को ऊपर ही जाना होता है, हर किसी को लास्ट में ऊपर ही जाना है, तो एसी और एमसी लास्ट में इंक्रीज ही होते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग ही हो जाते हैं। ओके अच्छा, बीच में 2 पॉइंट और इनको पढ़ लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एमसी इज लेस देन एसी व्हेन एसी फॉल्स, जब तक एसी गिरता रहेगा ना तब तक एमसी की वैल्यू एसी से कम रहेगी। उसके बाद में जब एसी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका एमसी भी एसी से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर एवीसी एमसी के बीच में आएगा तो भी ये पॉइंट लिखने हैं आपको, एवीसी एंड एमसी बोथ आर यू शेप कर, एवीसी एंड एमसी डिराइव फ्रॉम टीसी, मतलब एवीसी एसी से होता है और एमसी टीसी से, और उसके बाद में एट लास्ट एवीसी एंड एमसी बोथ आर इंक्रीजेस, ठीक है। एक्सप्लेनेशनशिप बिटवीन टीसी टीएफसी एंड टीवीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसमें क्या होगा। टीएफसी क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो आपके हर लेवल पे सेम रहे, आउटपुट के बढ़ने से उसमें कोई भी चेंज ना हो। कर्व कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद में टीवीसी जो आपके आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है। टीसी क्या होता है, इन दोनों का सम्मेशन, टीएफसी प्लस टीवीसी इक्वल टू टीसी। टीएफसी रिमेन कॉन्स्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्योंकि उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। अगर फैक्ट्री शटडाउन होगी तो भी होगा, एग्जांपल बताना टीएफसी का, बिल्डिंग का रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारे टीएफसी के एग्जांपल है, इंश्योरेंस का प्रीमियम, ये टीएफसी का एग्जांपल है। टीसी एंड टीवीसी आर इनवर्सली एस शेप्ड, दोनों के दोनों इनवर्सली एस शेप्ड होते हैं। एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आपकी फैक्ट्री में काम ही नहीं हो रहा, फैक्ट्री बंद पड़ी है, तो जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट होगी ना वही टोटल कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि आप रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं कर रहे, आप लेबर कैजुअल लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर रहे, आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो 0 है, तो जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है दैट इज बिकम योर टोटल कॉस्ट।
टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस होता है ना, ये वाला डिफरेंस, यही डिफरेंस आपका क्या होता है, टीएफसी. टीसी और टीवीसी का जो वर्टिकल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टीएफसी. अब उसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप टीआर एंड एमआर. टीआर एमआर के बीच में रिलेशनशिप, व्हेन सिचुएशन वन, केस नंबर वन क्या बनता है, जब आपका प्राइस कांस्टेंट है. जब प्राइस कांस्टेंट है तो उस केस में क्या रिलेशनशिप होता है. अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आपको पेपर में पूछा जाए ना कि रिवेन्यू कर्व ड्रॉ करने हैं अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सर्कमस्टांसिस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में एआर टीआर एमआर कैसा होता है, तो भी आपको ये लिख के आना है वहां पे, सेम पॉइंट है. क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी प्राइस कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पर भी प्राइस कॉन्स्टेंट है. फर्स्ट सिचुएशन प्राइस आपको कॉन्स्टेंट है. अगर ए आर को हम क्या बोलते हैं, पी. ए आर का दूसरा नाम क्या होता है, पी. अगर आपका प्राइस कॉन्स्टेंट है, प्राइस अगर कॉन्स्टेंट है तो आपका एम आर भी वही हो जाएगा, ये एम आर होगा, एम आर. आपका एम आर भी सेम हो जाएगा अगर प्राइस कॉन्स्टेंट है तो, वही ए आर होगा, वही एम आर होगा, वही पी होगा. उसके बाद में अगर प्राइस कांस्टेंट है तो ए आर एंड एम आर इक्वल टू प्राइस, दोनों के दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब क्योंकि एम आर इक्वल ही रेट से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब टी आर क्या होता है, समेशन ऑफ एम आर. इसका मतलब आप इक्वल अमाउंट को टी आर में ऐड करते रहोगे तो टी आर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें हर बार 10 10 10 10 दस दस का डिफरेंस आएगा. तो इसका मतलब टी आर फॉर्म से स्ट्रेट लाइन और टी आर इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट. यही पॉइंट, यही ग्राफ, यही शेड्यूल आपको बनाना है कब, जब आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एआर एमआर और टीआर पूछा जाएगा. तो उसके बाद में जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा तब क्या करोगे, तब कैसे ग्राफ बनाओगे. यही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कब, मोनोपोली के केस में और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन केस में रिवेन्यू कर बनाओ, तो भी आपको ये आंसर लिख के आना है. सिचुएशन नंबर टू, जब आपका प्राइस कांस्टेंट नहीं होता तो कैसे बनाते हो. देखो अब इस केस में क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट नहीं होता तो आपको प्राइस दिखाना है डिक्लाइन, इंक्रीज मत करना, डिक्लाइन दिखाना प्राइस. क्योंकि जैसे जैसे मैं ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम, ज़्यादा क्वांटिटी बाई करने जाता हूँ ना, तो मेरे को बल्क क्वांटिटी की वजह से मेरे को प्राइस सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाता है. यह है आपका पी प्राइस, इसको हम ए आर भी बोलते हैं. जैसे जैसे मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ मेरे को प्राइस भी अब सस्ता मिलना स्टार्ट हो गया. क्योंकि अब ज़्यादा क्वांटिटी, अगर आप किसी दुकान पे जाओ, किसी से बोलो मेरे को 1 kg राइस चाहिए, आपको 1 kg राइस का अलग रेट बताएगा. अगर आप बोलो मेरे को 50 kg राइस चाहिए तो आपको उसका रेट वो अलग बताएगा. इट मीन्स क्वांटिटी जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ाओगे आपको प्राइस भी सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये ए आर हो गया. उसके बाद में ए आर इंटू आउटपुट आपका टी आर निकल के आ जाएगा. ये होता है आपका ए आर इंटू में क्यू, मतलब आउटपुट. और एम आर कैसे निकालते हो, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, ये आपका निकल के आएगा एम आर. फर्स्ट लेवल पे तो सारे सेम ही होंगे. उसके बाद में 10 माइनस 16 माइनस 10 6, उसके बाद में 18 माइनस 16 2, और 16 माइनस 18 माइनस 2, ये आपका एम आर निकल के आ गया. अब इसके बाद क्या करोगे, ग्राफ में देखते हैं, पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं साथ साथ. टी आर कर्व इंक्रीजिज एट डिक्रीजिंग रेट. टी आर कर्व इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि आपके एम आर की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए टी आर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है. उसके बाद में टी आर एट इट्स मैक्सिमम लेवल व्हेन एम आर इज इक्वल टू जीरो. जिस पॉइंट पे आपके एम आर की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसी पॉइंट पे आपके टी आर आपका मैक्सिमम हो जाता है. उसके बाद में टी आर स्टार्ट्स डिक्लाइन, टी आर धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा जब आपका एम आर बिकम्स नेगेटिव. जब आपका एम आर की वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस को तोड़ के नीचे आ जाएगी तो आपका टी आर भी नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद में एम आर एंड ए आर बोथ आर डिक्लाइन, दोनों के दोनों डिक्रीज होंगे, एम आर भी और ए आर भी. उसके बाद में एम आर डिक्लाइन फास्टर देन ए आर, लेकिन डिक्लाइन तो होंगे दोनों, लेकिन एम आर ज़्यादा रेट से डिक्लाइन होगा कंपेरिजन टू ए आर. और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एम आर तो कभी कभी जीरो भी हो जाएगा एंड इवन बिकम्स नेगेटिव, बट ए आर कैनॉट बी जीरो. लेकिन ए आर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ए आर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर एमआर एंड एमसी अप्रोच. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताना, एमआर एमसी अप्रोच में दो कंडीशन होती हैं, पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूजिंग एमआर एमसी अप्रोच, दो कंडीशन ध्यान से सुनना. अच्छा, जैसे हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी. इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालोगे, पहली कंडीशन क्या है, जब आपका एमआर इज इक्वल टू एमसी हो. दूसरी कंडीशन क्या है, जब आपका एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, मतलब आफ्टर फर्स्ट कंडीशन,
पहली कंडीशन क्या होती है, एमआरएमसी बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जहां पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उसके जस्ट बाद एमसी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एमआर से, ठीक है। केस नंबर वन, जब प्राइस कांस्टेंट है, उस केस में देखो प्राइस कांस्टेंट है तो जो आपका एआर होगा बराबर रहेगा वही आपका एमआर भी हो जाएगा, 10 10 10 10 10। अब उसके बाद आपको देखना है एमसी एआर सॉरी एमआर और एमसी किस पॉइंट पे इक्वल है। अगर मैं देखूं तो इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट जो है आपका, इस वाले पॉइंट पे आपके एमआर एमसी इक्वल है, मतलब कंडीशन नंबर वन सेटिस्फाई हो गई सर, दोनों 10 हैं, ये भी 10 है ये भी 10, दोनों बराबर हो गए। सेकंड कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन के बाद में एमसी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे देखो एमसी की वैल्यू कितनी है 8, एमआर की वैल्यू कितनी है 10। क्या 8 10 से ज़्यादा होता है? नो, इसका मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो इस पॉइंट को तो भूल जाओ, ये पॉइंट तो होगा ही नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आगे देखो, ये वाला पॉइंट कहाँ बनता है, आउटपुट नंबर फोर्थ में देखो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों बराबर है, ओके। सेकंड कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन के बाद में एमसी ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे एमसी कितना है 12, एमआर कितना है 10। क्या 12 10 से ज़्यादा होता है? बिल्कुल होता है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है आउटपुट नंबर फोर, ये वाला पॉइंट वो है जहाँ पे प्रोड्यूसर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, और ये वाला पॉइंट ग्राफ में यहाँ पे शो हो रहा है, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे कट कर रहा है, ये वाला आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है। केस नंबर टू क्या होता है, जब आपका प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो कैसे ड्रॉ करोगे? जब आपका प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, दोबारा देखो इस क्वेश्चन में, वहीं पे जहाँ पे दोनों इक्वल हैं, इक्वल तो यहाँ पे भी हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन दूसरी हो रही है नहीं, क्योंकि उसके बाद में एम सी एम आर तो इक्वल हो गए। कंडीशन क्या बोलती है, एम सी ज़्यादा होना चाहिए एम आर से, लेकिन इस कंडीशन पे, इस पॉइंट पे देखो पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों बराबर है, बिल्कुल हो गई। उसके बाद में क्या, दूसरी कंडीशन क्या होती है, एमसी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 9 और 2, तो 9 तो ज़्यादा होता है 2 से, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये वाला पॉइंट मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, और ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रखी है, यहाँ पे भी दोनों बराबर है, लेकिन उसके बाद देखो, उसके बाद तो एमसी डिक्रीज हो रहा है, मतलब एमसी नीचे की तरफ है, एमआर ऊपर है, दूसरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो पा रही, ये पहला पॉइंट तो होगा नहीं। लेकिन पॉइंट नंबर ई, यहाँ पे कट भी कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरी के लिए क्या होना चाहिए, एमसी ज़्यादा, तो देखो एमसी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, एमसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है, तो पॉइंट नंबर ई इज माई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टर अफेक्टिंग डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ध्यान से देखो, फैक्टर अफेक्टिंग डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की ना समरी मैंने ऊपर लिखी हुई है, आपको क्या याद रखना है, क्या देखना है आपको, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब सामान को बनाने की लागत अगर मेरी ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को प्रॉफिट कम होगा। अगर कोई प्रोड्यूसर जिसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा उस सामान में, टाटा ने नैनो कार क्यों बंद की, या कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी प्रोडक्ट को क्यों बंद कर देती है, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं होता। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या करेंगे, सप्लाई बंद कर देंगे, उसकी सप्लाई डिक्रीज कर देंगे। इसका रिवर्स इफेक्ट क्या होता है, देखो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है किसी भी तरह से, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट अगर कम कर दिए, या फिर जो इनपुट मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, अगर उसका रेट कम हो गया, रॉ मटेरियल का अगर सस्ता मिल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी भी सामान को बनाने में, बेचने में अगर मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मैं फिर उसको सप्लाई भी उसकी इंक्रीज कर दूंगा। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में 6-7 पॉइंट है, यही आपको देखना है बस उसमें। पहली बात तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, खुद का प्राइस तो देखो पॉजिटिव रिलेट करता है, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी ज़्यादा होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अब देखो अदर गुड्स में क्या होगा, अगर अदर गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अगर अदर गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, अगर एक कंपनी दो गुड्स बनाती है ए और बी, और बी गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है, तो कंपनी को बी गुड्स को बेचने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो क्या करेगी, वो ए गुड्स को बेचना कम कर देगी, क्योंकि ए का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, बी का प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, तो बी की क्वांटिटी भी ज़्यादा सप्लाई करेगी। उसके बाद में प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ इनपुट्स, इसमें क्या होता है सर, अगर इनपुट का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है, इनपुट का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा, तो सीओपी इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज,
अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो सप्लाई भी नहीं करूँगा मैं, सप्लाई भी कम हो जाएगी, अदरवाइज वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। देखो यही लिखा हुआ है, अगर इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है मतलब डिक्रीज, और अगर इनपुट का प्राइस अगर डिक्रीज हो गया तो राइटवर्ड सप्लाई शिफ्ट हो गई। सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो सीओपी डिक्रीज हो जाएगा, सीओपी डिक्रीज तो प्रॉफिट इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज तो सप्लाई भी इंक्रीज। उसके बाद में गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी, अगर सरकार टैक्स को इंक्रीज कर देगी तो उससे क्या होगा, मेरा सीओपी भी इंक्रीज हो जाएगा, सीओपी इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, रिडक्शन इन सप्लाई, क्योंकि मुझको प्रॉफिट नहीं हो रहा। उसके बाद में सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये वही ग्राफ दिखाया हुआ है इधर, टैक्स इंक्रीज होने से सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता, अब सारा पैसा टैक्स में चला जाता है, और अगर टैक्स क्रेडिट डिक्रीज हो जाते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ वाई मेरी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। गोल, अगर फर्म का गोल प्रॉफिट कमाने का है तो मैक्सिमम प्राइस पे ज़्यादा सामान बेचेगी, और अगर उसका मेन गोल है मार्केट को कैप्चर करना रिलायंस जियो की तरह, तो वो पहले तो फ्री में या फिर बहुत कम रेट पे भी ज़्यादा सप्लाई करेगी, क्योंकि यहाँ पे फर्म का जो गोल है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, कंपनी का मेन जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कैप्चर करने का है, जो रिलायंस जियो ने पॉलिसी स्टार्टिंग में अपनाई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस पेनिट्रेशन पॉलिसी। जब आप आगे पढ़ोगे ना बिजनेस में या ग्रेजुएशन में, तब आप पढ़ोगे कि कौन सी पॉलिसी होती है। उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई कौन कौन से फैक्टर होते हैं ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फर्म्स, अगर किसी एरिया में या किसी इंडस्ट्री में अगर उस प्रोडक्ट को बनाने की कंपनियां अगर इंक्रीज हो जाती हैं तो क्या होगा, अगर कंपनी ज़्यादा होगी, पहले चार कंपनियां थी एक ही प्रोडक्ट बनाती थी, अब उस प्रोडक्ट को 10 कंपनियां मिलकर बना रही हैं, तो प्राइस अगर 10 कंपनियां मिलकर बनाएंगी एक ही प्रोडक्ट को तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो अगर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होगा तो मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर किसी भी सेलर को, किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी सेलर को अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ना उसको उसके गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में रेट बढ़ने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, आज कम बेचेगा ताकि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा उस गुड्स को बेच सके। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर डिलीवरी चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो सप्लाई ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि फिर तो आप पूरे इंडिया में कहीं से बैठे कुछ भी सामान मंगा सकते हो, वही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर बेकार होगी तो उस केस में सप्लाई भी अब डिक्रीज हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, क्या होता है सर, ध्यान से देखना। परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऐसी मार्केट जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, प्राइस यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट होता है, लेवल ऑफ नॉलेज परफेक्ट होती है बेचने वाले को भी खरीदने वाले को भी, और सेलिंग कॉस्ट होती नहीं है। उसके बाद में मोनोपोली कैसा होता है, जहाँ पे एक के बाप का राज चलता है, मतलब सिंगल सेलर, उसका कोई भी सब्सिट्यूट नहीं होता, कोई भी कंपनी आ नहीं सकती, कोई जा नहीं सकती, रिस्ट्रिक्टेड होती है एंट्री एग्जिट, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एडी इज लेस देन वन होती है, प्राइस मेकर होती है कंपनी, एक ही बाप का राज है, जो मन करे वो प्राइस चार्ज करेगा, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि वो अलग अलग एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग कंज्यूमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, पता ही नहीं होता उसके बारे में वो कब क्या प्राइस चार्ज करने वाला है, कब कौन सी गुड्स प्रोवाइड करने वाला है, सेलिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, पता है अकेला बंदा है पूरी मार्केट में, लोग जाएंगे गाँव से के पास ही आएंगे। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, नंबर ऑफ सेलर लार्ज, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है, सारे के सारे प्रोडक्ट अलग अलग बेचती हैं, एंट्री एंड एग्जिट फ्री होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट नॉन सेंसिटिव नेचर का होता है, इसलिए कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पार्शली कंट्रोल होता है प्राइस पे, क्योंकि हर किसी की ना अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। उसके बाद में लेवल ऑफ नॉलेज इम्परफेक्ट होती है, यहाँ पे बायर को पता नहीं होता किसके पास कौन सी गुड्स क्वालिटी की चीज़ें हैं, क्या पे कहाँ पे क्या है। सेलिंग कॉस्ट बहुत ह्यूज होती है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग, क्योंकि सेलर बहुत सारे हैं तो आपस में पूरा गलाकाट कंपटीशन होता है, सभी को जो दिखेगा वही बिकेगा, पॉलिसी पे काम करते हैं कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तो इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट आ जाती है। ओलिगोपोली के अंदर फ्यू सेलर होते हैं लेकिन लार्ज फर्म होती हैं, होमोजीनियस या डिफ्रेंशिएटेड दोनों टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं, एंट्री एंड एग्जिट रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि कभी कोई आ नहीं सकता ना कोई जा सकता, बहुत मतलब एक तरह से हैक्टिक प्रोसीजर होता है। इंटरमीडिएट इनडिटरमाइन होता है डिमांड कर्व, डिमांड कर्व बना ही नहीं सकते इसके केस में, प्राइस बहुत रिजिड नेचर का होता है। उसके बाद में इम्परफेक्ट लेवल ऑफ नॉलेज, और यहाँ पे भी ह्यूज सेलिंग कॉस्ट होती है। अगर मैं मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में बेसिक डिफरेंस बताऊँ तो क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर
एंट्री एंड एग्जिट फ्री होती है, ओलिगोपोली में रिस्ट्रिक्टेड होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोनोपोलिस्टिक में नॉन सेंसिटिव नेचर का गुड सेल होती है और ओलिगोपोली में सेंसिटिव नेचर की गुड सेल होती है, इस वजह से यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट को भी रिस्ट्रिक्टेड रखा है। ये क्वेश्चन ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म इन ओलिगोपोली, इसके बारे में शॉर्ट नोट बताओ। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है, एक पता क्या होता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी होंगी तो हर एक कंपनी के पास में सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होता है, मतलब हर एक कंपनी की मार्केट में अलग पहचान होती है, तो अगर वो कोई भी प्राइस या कोई भी क्वांटिटी से रिलेटेड अगर डिसीजन लेती है ना, तो उसका दूसरी कंपनीज पे भी, अपने राइवलरीज कंपनीज पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे, जब रिलायंस जियो लॉन्च हुई थी तो रिलायंस जियो ने जो भी अपने प्लान रखे, एयरटेल, वोडा, आइडिया, जो भी कंपनीज हैं, इनको अपने प्लान जियो के अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई करने पड़े। जैसे जियो के प्लान थे 1 GB डेटा मिलेगा, इतना आपको कॉलिंग मिलेगा, सेम चीज़ आपको एयरटेल, वोडा और आइडिया जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्लेयर थे, उनको भी अपने प्लान्स को मॉडिफाई करना पड़ा। इसका मतलब होता है इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे के डिसीजन से वो अफेक्ट होते हैं, एक दूसरे के डिसीजन पे डिपेंड करते हैं। रीज़न क्या होता है मोनोपोली का, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, मोनोपोली का रीज़न बताओ, मार्केट में मोनोपोली क्यों होती है। देखो, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, जैसे इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो वो एक ही रहेगा। उसके बाद में गिफ्ट ऑफ नेचर, जैसे गल्फ कंट्रीज़ के पास ना, उनके पास बहुत सारे पेट्रोलियम की माइंस है, अगर वहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा होता है, पेट्रोलियम वेल्स अगर ज़्यादा है, ऑयल वेल अगर वहाँ पे ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो गिफ्ट ऑफ नेचर है, उनका अपने आप ही मोनोपोली बनी हुई है। मैक्सिमम जितने भी आपका क्रूड ऑयल होता है वो गल्फ कंट्रीज से ही इम्पोर्ट किया जाता है, और उस केस में कुछ जगह पे पेटेंट का राइट हो जाता है, मतलब एक आदमी ने कुछ टेक्नोलॉजी बना के अपने नाम पे पेटेंट करा लिया, अब कोई और बंदा उसको यूज ही नहीं कर सकता, तो इसलिए वहाँ पे मोनोपोली की सिचुएशन अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। लाइसेंस कंट्रोल, पेटेंट राइट और गिफ्ट ऑफ नेचर, ये 3 मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से मोनोपोली मार्केट में क्रिएट हो जाती है, मतलब सिंगल सेलर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उसके बाद में डिफरेंट बिटवीन चेंज इन सप्लाई और चेंज क्वांटिटी सप्लाइड, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, सेम वही ऊपर जो हमने डिमांड में पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट है कि सब जहाँ पे भी चेंज इन सप्लाई की बात, मतलब शिफ्ट की बात आती है, तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा, और अगर क्वांटिटी सप्लाइड की बात आएगी या मूवमेंट की बात आएगी तो वहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो जाएगा। ये भी 2 तरह का होता है, इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब बिना प्राइस के इंक्रीज हुए भी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, प्राइस कॉन्स्टेंट है फिर भी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस का कर्व कैसे बनाओगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मूवमेंट क्या होती है, एक्सटेंशन के केस में, एक्सपेंशन के केस में क्या होती है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आप क्वांटिटी सप्लाइड को भी इंक्रीज कर दो, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करो। डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, जब प्राइस के ना डिक्रीज होने पे, बिना प्राइस के डिक्रीज हुए आप फिर भी अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज कर देते हो, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा शिफ्ट के केस में, चाहे वो डिमांड है चाहे वो सप्लाई है, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हो। अब उसके बाद में देखो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आप क्वांटिटी को तभी डिक्रीज करते हो, लो सप्लाई क्या बोलता है, क्वांटिटी को तब डिक्रीज करो जब आपका प्राइस भी डिक्रीज हो जाए, तो प्राइस 10 था, क्वांटिटी 20, प्राइस 5 तो क्वांटिटी 10, प्राइस डिक्रीज हुआ क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब लो सप्लाई आपने पूरा का पूरा फॉलो किया है। कॉन्ट्रैक्शन होता है डाउनवर्ड, सप्लाई के केस में डाउनवर्ड होता है, और एक्सपेंशन कैसा होता है, अपवर्ड, क्योंकि अपवर्ड जाओगे तो आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी और डाउनवर्ड जाओगे तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जिस भी पॉइंट पे आपका, क्वेश्चन क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम बताओ एक्सेस डिमांड और एक्सेस डिफिशिएंट डिमांड के साथ। मार्केट इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को बोलते हैं जिस भी पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों बराबर होती हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा, जो आपका मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया उस पॉइंट का जो प्राइस है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, उस पॉइंट पे जो भी आपकी क्वांटिटी आ रही है एक्स एक्सिस पे, वो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। एक्सेस डिमांड क्या होता है, जब आपकी डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम। डिफिशिएंट डिमांड क्या होता है, या फिर एक्सेस सप्लाई क्या होता है, जब आपकी सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम। ग्राफ में कैसे दिखाओगे, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज योर मार्केट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाएगी। अच्छा देखो, जैसे जैसे अब मैंने ये शेड्यूल से दिखा रखा है, इस पॉइंट पे तो दोनों के दोनों बराबर हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी तक देखो यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है 5000, डिमांड है आपकी 1000, उसके बाद में सप्लाई 4000, डिमांड है 2000, तो यहाँ पे एक्सिस सप्लाई है। एक्सिस सप्लाई कहाँ होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं एक्सिस सप्लाई।
एक्सेस डिमांड कहाँ होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे वाला जो पार्ट होता है। जब आपकी डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, उसको आप क्या बोलते हो, एक्सेस डिमांड या फिर डिफिशियंट सप्लाई, एक ही बात है। प्राइस सीलिंग और फ्लोर प्राइस क्या होता है, फ्लोर प्राइस ना वहाँ पे डिसाइड किया जाता है जब जब मार्केट में लगता है ना गवर्नमेंट को कि यार ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो बहुत कम है। ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के केस में होता है, जिसको आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP बोलते हो। दैट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ फ्लोर प्राइस, जहाँ पे भी सरकार को लगता है कि नहीं यार इक्विलिब्रियम प्राइस तो बहुत कम है, प्रोड्यूसर को और ज़्यादा पैसा पे करना चाहिए, मतलब फार्मर्स को और ज़्यादा पैसा पे करना चाहिए, तो वहाँ पे सरकार क्या करती है, एक प्राइस डिसाइड करती है जो मोर देन अबव किसके होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस के। सीलिंग प्राइस क्या होता है, जब सरकार को लगता है ना कि यार ये तो बहुत ज़्यादा लूट मची हुई है, मतलब गरीब आदमी तो कुछ खरीद ही नहीं पा रहा, उस केस में सरकार क्या करती है, जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस होगा उस प्राइस के नीचे प्राइस सेट करेगी, ताकि वो गुड्स गरीब आदमी की पहुंच तक भी आ जाए। अब ये किस केस में होता है, फ्लोर प्राइस तो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के केस में, और आपका सीलिंग प्राइस होता है नेसेसिटीज के केस में, जैसे 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 फूड, मेडिसिन और हाउस रेंट, इनके केस में, ताकि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर ना हो जाए खाना, उसके बाद में मेडिसिन, दवाइयाँ और हाउस रेंट। इसीलिए सरकार क्या करती है, इसके ऊपर एक सीलिंग लगा देती है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, भले ही इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में जो मार्केट फोर्सेज हैं उसके हिसाब से प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन आप इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, आपको उसके बियॉन्ड, मतलब सॉरी उसके बिलो ही रखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस के, वो था सीलिंग प्राइस। और जब सरकार को लगता है कि नहीं फार्मर्स का शोषण हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर आप फ्लोर प्राइस सेट करते हो, ताकि मैक्सिमम फायदा फार्मर को पहुंच सके, ठीक है। अब उसके बाद में देखो आगे, एक्सप्लेन डिमिनिशिंग MU, सॉरी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ध्यान से देखना। डिमिनिशिंग ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने बाद में ऐड किया है, ये ऊपर सेकंड चैप्टर का पार्ट बनना था, लेकिन मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी ऐड कर देते हैं। एक्सप्लेन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसका रीजन पता है क्या होता है, इसका रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU। MRS डिक्लाइन क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU क्या बोलता है, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा एक गुड्स को आप कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो डिमिनिशिंग MRS का, इसके लॉ के पीछे क्या कौन काम करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU क्या कहता है, एज ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम दैट कमोडिटी स्टार्ट्स डिक्लाइन। ठीक है सर, वैसे होता क्या है, कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी फॉर अदर कमोडिटी, मतलब जब एक कंज्यूमर को एक गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करना हो, तो उसको सेकेंड कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU इसके पीछे काम करेगा, वो आपको आता ही है अभी। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन क्या होता है सर। बजट लाइन का मतलब एक कंज्यूमर की मैक्सिमम औकात, जिसके बियॉन्ड वो परचेज नहीं कर सकता। ये क्या बताएगा, बजट लाइन क्या दिखाता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम। गिवन इनकम के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर जितनी गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के वो परचेज कर सकता है, वो होती है बजट लाइन। बजट लाइन के बियॉन्ड जा सकते हो नहीं, क्या बजट लाइन के अंदर रह के खर्च कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, आपने पूरा का पूरा पैसा यूज नहीं किया। ठीक है सर, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, हमने वहां पे पढ़ा था ना इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, जब कंज्यूमर क्लियर निकाल रहे थे PX अपॉन में PY, वहां पे क्या कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी, MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY होना चाहिए। तो यहीं पे वो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होती है, PX अपॉन में PY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X डिवाइड बाई प्राइस ऑफ कमोडिटी Y, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन। उसके बाद में शिफ्ट इन बजट लाइन क्या होती है, जब आपकी या तो इनकम इंक्रीज हो जाए या फिर आपके दोनों गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाए, इनकम इंक्रीज हो जाए कंज्यूमर की, या दोनों गुड्स का प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएगा, तो कंज्यूमर की बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कब होगा, या तो कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए, या तो कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए, या फिर दोनों के दोनों गुड्स अब महंगी मिलनी स्टार्ट हो जाए, मतलब दोनों के दोनों गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए, उस केस में भी आपकी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, मतलब बजट लाइन अब कम हो जाएगी, आप कम क्वांटिटी
खरीद पाओगे, या तो आपकी इनकम कम हो गई है, आपके पास पैसे नहीं है, या फिर गुड्स महंगी हो गई हैं, इसका मतलब भी यही है कि आपके पास पैसे अब कम खरीद आप कम क्वांटिटी परचेज कर पाओगे, तब होगा उस केस में बजट लाइन आपकी लेफ्टवर्ड या फिर डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद देखो रोटेशन ऑफ बजट लाइन क्या होता है, जब एक ही गुड्स का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, उस केस में बजट लाइन को रोटेशन मतलब एक एंड एक डायरेक्शन आपकी एक डायमेंशन कॉन्स्टेंट रहती है और दूसरा एंड बजट लाइन का मूव होता है, उस केस में रोटेशन होती है। पहले देखो रोटेशन इन एक्स, ध्यान से देखना, जब गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब अब आप गुड एक्स ज्यादा खरीद पा रहे हो। अगर गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब आप गुड एक्स को, जब गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो आप गुड एक्स की क्वांटिटी को ज्यादा खरीद पाओगे, तो आपका बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, आपका बजट लाइन राइटवर्ड रोटेट हो जाएगा। अगर गुड एक्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब गुड एक्स महंगी हो गई है, अब आप गुड एक्स को कम क्वांटिटी में खरीद पाओगे, तो आपका ये लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगा, शिफ्ट नहीं होगा, रोटेट होगा। अगर मैं बात करूं प्राइस के केस में, वाई के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ वाई ध्यान से देखना रोटेशन कैसी होगी, जब आपका वाई का प्राइस अगर पी वाई आपका इंक्रीज हो जाता है प्राइस ऑफ गुड वाई, तो आप क्वांटिटी भी अब पी वाई की कम खरीद पाओगे, कर्व आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जब आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो। लेकिन जब आपका प्राइस अगर पी वाई का प्राइस अगर डिक्रीज हो गया, उस केस में आप क्वांटिटी ऑफ वाई ज्यादा खरीद पाओगे, उस केस में आपका वाई की साइड वाला ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ रोटेट होगा, क्योंकि अब आप गुड वाई ज्यादा खरीद पा रहे हो, एक्स यहां पे कांस्टेंट होगा सेकंड कंडीशन में, क्योंकि मैं चेंज किस में कर रहा हूं, सिर्फ वाई में, और पहली कंडीशन में वाई का प्राइस कांस्टेंट, वाई की क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मैं चेंज किस में कर रहा हूं एक्स में, इसलिए यहां पे वाई कांस्टेंट, और यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं वाई में, इसलिए यहां पे एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है सर, ये था हमारा पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट 1 आवर का ड्यूरेशन लेक्चर। इसके अंदर मैंने ट्राई किया है पूरे के पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज कराना विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और बिलीव मी स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट मिनिमम टू मिनिमम 80% पेपर, मैक्सिमम 90-100% भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम 80% पेपर आपको इन्हीं 20 क्वेश्चन में से आएगा। इनको प्लीज़ या तो मगअप कर लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। इस वीडियो को 1 आवर की वीडियो है, इस वीडियो को आप ऑलमोस्ट 2-3-4-5 बार देखो दिन में, आपको ये 20 क्वेश्चंस इजीली याद हो जाएंगे। आपको अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो पॉज करके या फिर बैकवर्ड करके या फास्ट फॉरवर्ड करके, कैसे भी करके आप यही वीडियो देखो, जितनी बार प्ले करोगे पॉज करोगे उतनी बार आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना ताकि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन सारे के सारे याद हो जाएं, इसमें से कट शॉर्ट मत करना। पूरी इकोनॉमिक्स में आपको पता है कितने क्वेश्चन है माइक्रो में, मैंने उसमें से सारे मेन क्वेश्चंस, सारे सैम्पल पेपर देख के, पास्ट अटेम्प्ट्स के एग्जाम्स के क्वेश्चंस देख के, तब जाके 20 क्वेश्चन बनाए हैं। ये 20 क्वेश्चन में से ही पेपर में आएगा। आप यूट्यूब पर कमेंट करके बताना जब आपका एग्जाम्स हो जाएगा कि इसमें से कितना आया। जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितने पास्ट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, इन 20 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 80% पेपर इसी में से आता है। जितने भी आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो तो सारे के सारे इसमें से होंगे ही होंगे, और जो 3-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो भी इन्हीं 20 क्वेश्चन में से ही आएंगे। तो ये मान के चलो कि पूरे के पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की समरी है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपका इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। तब तक ऑल द बेस्ट।